हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑल अबाउट वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर हमें कॉलम का फर्मा मेकिंग करना हो तो किस तरह से उसको मेकिंग करते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज कॉलम के फर्मे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सपोज करिए कि हमारा जो कॉलम है वो 600 mm बाई 600 mm का है। 600 mm का है तो आपका ये स्क्वायर हो गया। तो इसकी सारी चारों तरफ हमारा कॉलम 600 mm बाई 600 mm का होना चाहिए। चारों साइड है, इसकी चार साइड आएंगी, चारों साइडें 600 mm की होंगी। अब मैं आपको बता दूं कि जिस प्लाई से इसकी मेकिंग करेंगे उस प्लाई के बारे में मैं आपको बता दूं। तो हमारी जो प्लाई है वो आपकी हो जाएगी आपकी 2400 mm बाई 1200 mm बाई थिकनेस जो उसकी है वो 12 mm है। 12 mm हो गई हमारे प्लाई की डेफिनेशन, हो गई 1200 mm 1200 mm। अब 12 mm इसकी थिकनेस है। इस प्लाई से हम फर्मे की मेकिंग करेंगे। अब इस प्लाई से फर्मे की मेकिंग करेंगे तो मैं आपको मेकिंग करने का तरीका बताता हूँ कि जब हम 600 mm बाई 600 mm के फर्मा बनाएंगे तो आपको मैं बता दूँ उसमें दो साइड है तो हमारी 600 mm की रहेंगी, दो साइड हमारी 624 mm की होंगी। तो उसको मैं आपको बताता हूँ क्यों होती हैं, किस तरह से होती हैं। अब आपने देखा होगा, मैं आपको फर्मा बना के बताता हूँ। आपका ये हो गया और आपकी ये हो गया, उसके बाद आपका ये हो गया और ये आपका इसके ऊपर आ जाएगा ये। कुछ इस तरह से हमारा फर्मा तैयार होगा। अब इसमें आप देखिए कि ये जो बीच वाला हमारा है, बीच वाला हमारा 600 mm का है। ये बीच वाली जो साइड है हमारी दोनों है, ये 600 mm और ये वाली भी 600 mm, दोनों हमारी 600 mm की हो गई। अब एक चीज आप देख रहे होंगे कि ये हमारा अंदर वाला 600 mm 600 mm है और ये जो हमारी बाहर वाली, जो हमारी नीचे वाली जो प्लाई है वो यहाँ तक आ रही है, इस प्लाई के एज तक और इस प्लाई के एज तक। तो हमारी प्लाई की थिकनेस कितनी है, मैंने आपको बताया हमारी जो प्लाई की थिकनेस कितनी है, हमारी प्लाई की थिकनेस है 12 mm। तो ये 12 mm इधर बढ़ गई। अब ये नीचे वाले का अगर देखेंगे तो 12 mm यहाँ पे हम बढ़ रहे हैं, ऐसे ही हम 12 mm यहाँ पे बढ़ रहे हैं और ये 600 mm है ही हमारा साइज, यहाँ से यहाँ तक अंदर अंदर 600 mm है हमारा। तब टोटल अगर हम इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 624 mm। इसको राउंड अप कर अगर कर देंगे 625 mm आप बना सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा हो गया ना क्लियर आपका। ये हमने क्यों बड़ा किया है, ताकि हमारा ये कॉर्नर बन जाए। तो 12 mm इधर और 12 mm इधर, तो हमारी दो साइडें बनेगी 625 mm की, दो साइड बनेंगी हमारी 600 mm की, अगर आपका स्क्वायर कॉलम है तो। अगर आपको अच्छी तरह से अब समझ में आ गया होगा और ये बनने के बाद इसको बनाते कैसे, दिखता कैसा है ये, वो भी मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। साइड पे आपने देखा होगा कि जैसे इस तरह से मान लीजिए 2400 हमारी हाइट है, 2400 का ही फर्मा हम बनाते हैं, इस तरह से है हमारा। अब ये हमारा हो गई
अब इसमें साइड में आप देखते होंगे यहाँ पे एक बैटन लग जाएगा सपोर्ट के लिए, एक यहाँ पे बैटन लग जाएगा, एक सेंटर में बैटन आ जाएगा, एक सेंटर में ऐसे बैटन आ जाएगा, एक यहाँ पे कॉर्नर इस एज पे आएगा और इस एज पे आ जाएगा। आपका कुछ इस तरह से फर्मा पीछे से दिखता है। तो ये तो आ गया आपका, अगर स्क्वायर अगर आपका कॉलम है तो स्क्वायर का तो इस तरह से बनाएंगे। अब मैं आपको एक रेक्टेंगल का भी बता देता हूं, एक आपको मैं रेक्टेंगल का भी बताता हूं। अब रेक्टेंगल सपोज करिए आपका ये है, साइज हम ले लेते हैं 400 mm बाई 230 mm। इसमें बस ये ध्यान देना होगा आपका कि जो छोटी वाली जो मतलब डायमेंशन है वो आपका स्टॉपर का काम करेगी, वो बड़ा बनेगी, और ये जो बड़ी वाली है इसको आप फिक्स रखिए। इसको जैसे 400 mm है चाहे 600 mm है चाहे 700 mm है, ये आपका फिक्स रहेगा। तो इसमें बस ये देखिए ये इस तरह से बन जाएगा, जैसे आपका ये हो जाएगा ये 400 mm, ये 400 mm हो गया, और 230 वाला बाहर से आपका आ जाएगा, 230 वाला आपका बाहर आ जाएगा, इस तरह से कुछ आएगा। तो ये आपकी जो ये वाली जो साइड है, दो साइड है, ये आपकी 400 mm और ये वाली भी आपकी 400 mm और ये वाली आपकी साइड 230 प्लस इधर 12 बढ़ गई प्लाई की थिकनेस, प्लस इधर 12 बढ़ गई प्लाई की थिकनेस। अब ये आपको जोड़ने हो जाएगा 12 × 24 और 30 × 20 = 54 254 mm। अब इसको भी हम राउंड अप करके 255 mm का बनाएंगे। तो ये आपका हो गया, और ये भी सेम वैसे ही जब मेकिंग होगी तो ये भी सेम वैसे ही दिखेगा आपको। अब ये आपका वैसे ही इस पे भी सेम मेकिंग इसकी भी होगी, अपना यही साइड में ये आ गया, इधर साइड में ये आ गया, सेंटर में आ गया, और ये आपका नीचे ऊपर आ गया। 230 वाले में सिर्फ आप साइड साइड में लगा देंगे तब भी काम चल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस दिए गई जानकारी से आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए मेरे को, ताकि आने वाले टाइम में मैं अच्छी से अच्छी वीडियो दे सकूँ। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को शेयर कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड टेक्निकल चीज़ों की वीडियो बनाता रहता हूं, तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। हमारे चैनल पर फालतू कुछ बात नहीं होती है, सिर्फ काम की बातें हम करते हैं। तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।